मुनिराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान दीजिए, कृपा करके कोई उपाय कीजिए। हाँ मुनिराज, कोई उपाय कीजिए, मुझे संतान दीजिए। यह आम अपनी रानी को दे दो, संतान अवश्य होगी। धन्यवाद। ऋषिवर को दया आ गई और उन्होंने राजा को एक आम दिया, परंतु राजा ने उस आम के दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा अपनी दोनों रानियों को दिया। तो दो पुत्र जन्मे होंगे? नहीं, जब आम एक था तो दो पुत्र कैसे जन्म ले सकते थे। दोनों रानियों के यहां आधे आधे बच्चे जन्मे, सिर से पांव तक आधे। रानियां भय से कांप उठी और फिर निराश होकर उन्होंने वो बच्चे भिकवा दिए। उधर से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। मांस के दो टुकड़े देखकर उसने खाने के लिए उठा लिए, जबकि दोनों हाथ बज रहे थे तो उसने वो दोनों टुकड़े एक ही हाथ में रख लिए और वो जुड़ गए। जुड़ते ही बच्चे ने अपनी मुट्ठी मुंह में रखकर गर्जना की। गर्जना से डरकर जरा तो भाग गई, परंतु राजभवन में रानियों के दूध उतर आया। यह है जरासंध, वो एक नहीं दो है, इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। भीम, अर्जुन और मैं हवन कुंड के अग्नि की तीन ज्वालाएं बनकर जरासंध को भस्म कर सकते हैं, परंतु अकेले न भीम न अर्जुन और न मैं। तब तो आपकी दुविधा भी ठीक ही है भ्राताश्री, जरासंध को युद्ध में हराना संभव नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध तो कुछ और ही होता है ना। मेरा प्रस्ताव यह है कि भीम भैया और अर्जुन भेष बदलकर मेरे साथ चलें और कोई उपाय करके भीम उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार ले। तो फिर हम लोग खड़े क्यों हैं? चले। भेष क्या बदले केशव? स्नातक ब्राह्मणों का भेष कैसा रहेगा? महाराज की जय हो। महाराज, आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं चेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। राजाओं की बलि के पश्चात मैं अंतिम बार द्वारका पर चढ़ाई करूंगा, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं नहीं। आपके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। प्रणाम राजन। ब्राह्मणों का स्वागत है। 100 गाय भेंट करता हूं, और हां यदि कोई और इच्छा है तो बताइए। हे राजन, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात ही भेंट होगी। महामंत्री। जी महाराज। ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आधी रात के पश्चात मैं स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। आइए।
क्या वो आएगा वासुदेव? अवश्य आएगा। वो जैसा भी हो परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है और दानवीर भी है। जो मांगोगे वही पाओगे। परंतु आधी रात तो हो जाने दो भीम भैया। महावीरों के महावीर, महारथियों के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लिया? स्थान ग्रहण कीजिए। स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। तुम कहते तो हो कि तुम ब्राह्मण हो, परंतु तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम लोग? मेरे पास ब्राह्मण बनकर क्यों आए हो? समझदार लोग शत्रु के घर सामने के द्वार से नहीं आते, क्योंकि सामने के द्वार से तो मित्र के घर जाया जाता है। अर्थात मैं तुम्हारा मित्र नहीं, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम तीनों को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो। फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? शत्रु कैसे नहीं समझें? यदि अंधकार को अंधकार न समझें तो और क्या समझें? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो, इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। तुम अन्यायी हो, इसलिए शत्रु हो। मैं धर्म की डगर से हट गया हूं? मैं? निस्संदेह। मैं अन्यायी हूं? निस्संदेह। उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजन, जिन्हें तुमने पशुओं की भांति बंद कर रखा है? क्या उन्हें जीवन तुमने दिया है? और यदि नहीं तो उनका जीवन लेने वाले तुम कौन? तुम समझते हो कि रुद्र तुम्हारी यह बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर पर आ जाओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। ये न भूलो कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख। भाग्य भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। राजन, क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है, और इस यज्ञ के हवन कुंड में वो अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। ब्राह्मण, भिक्षा मांगो भिक्षा, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम ब्राह्मण हो, यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो तुम? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तुम दोनों तो बहुत सूखे हो, तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। हां, यह ठीक रहेगा। फिर भी द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये कुंती पुत्र भीमसेन, और मैं देवकी नंदन कृष्ण। यदि पहले से मुझे यह ज्ञान होता कि तुम कृष्ण हो, तब भी मैं द्वंद युद्ध के लिए भीम को ही चुनता, क्योंकि द्वंद तो बराबर वालों में ही होना चाहिए। अभिमानी के द्वार पर आए दीन दयाल, स्वयं चुन लिया अहम ने
अपने हाथों का।